प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स। चाहते हैं कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं। राहुल गांधी जी राजस्थान 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, किसानों के बीच में जाएंगे, संवाद करेंगे और किसानों को ताकत देने का काम करेंगे। हमारी पार्टी सरकार ने हमेशा इन कानूनों का विरोध किया है और आज यहाँ तीनों जिलों के किसान एकत्रित हुए और एक स्वर से मांग करी है कि जो कांग्रेस की पुरानी मांग थी कि बाल कानून वापस लें, उसको दोहराया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सरकार अपनी जिद को छोड़कर इन कानूनों को वापस लेगी। समझना पड़ेगा कि उन्होंने वादा किया, किसान को किया था कि उसकी आमदनी दुगनी करेंगे और आज जब संकट आया है तो पूरी पार्टी किसानों के खिलाफ खड़ी है। आज पूरा देश का किसान चाहता है कि बीजेपी को अपने वादे याद दिलाने हैं। आमदनी दुगनी करने की बात भूल जाइए, उनके बच्चे पोतों का भविष्य जो अंधेरे में धकेल रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो केंद्र सरकार को अपना अहम छोड़ना चाहिए। बहुमत के आधार पर आप मनमानी नहीं कर सकते और किसानों की मांग के साथ हम लोग खड़े हैं, खड़े रहेंगे। इस परिसर में हम लोग एक पुस्तकालय का उद्घाटन कर रहे हैं। ये विधायक कोष से ये पैसा दिया गया था। मुझे खुशी है कि यहाँ पर हमारे सभी वकील साथियों को ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं। आज भरतपुर ज़िले में एक आम सभा है और किसानों के मुद्दों को लेकर हम हमेशा से हमारे किसान भाइयों के साथ रहे हैं। जैसा आप सब जानते हो कि राहुल गांधी जी भी राजस्थान 2 दिन के लिए आ रहे हैं, वो कई जिलों में जाकर संवाद करेंगे, सभाओं को संबोधित करेंगे और किसानों की जो आवाज़ है पूरे देश भर में जो आज एकजुटता से हम लोग उठा रहे हैं, वो एक ही मांग है कि केंद्र सरकार को ये तीनों कृषि बिल वापस लेने चाहिए। कल प्रधानमंत्री महोदय ने जवाब दिया राज्यसभा के अंदर। देश को उम्मीद थी कि इतना हाहाकार मचा, 2.5 महीने से कड़क सर्दी में किसान भाई बैठे थे, दिन रात घर बार छोड़कर इतने लोगों की मौत हो गई, पूरे देश में आज विरोध है। ये कृषि जो कानून बने हैं इनके विरोध में सब जनता एकजुटता से खड़ी है, लेकिन कल भी इस पर कोई चर्चा नहीं करी गई। हम यही चाहते हैं कि किसानों के हित में उनका भविष्य अंधकार में ना जाए, इसको देखते हुए केंद्र सरकार को तीनों कानून वापस लेने चाहिए और कांग्रेस पार्टी किसानों की इस वाजिब मांग के साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष के एक एक नागरिक का ध्येय है कि एक जो कानून बने हैं ये किसान के हित में नहीं है, इनको वापस लेना चाहिए। सरकार को अपनी जिद और अपने अड़ियल रवैये से परे हटकर आज जनता की बात सुननी चाहिए। आज कोई चुनाव नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, लेकिन किसानों के हित में ये काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटा किसान जो है वो हर तरफ से मारा जाएगा, उस पर कोई कानूनी सुरक्षा कवच उसको मिला नहीं है। MSP लगभग बंद हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी, तो किसान जो है वो अपना भविष्य तलाश रहा है। आज ज़रूरत इस बात की है पूरे देश में पार्टी पॉलिटिक्स ऊपर उठकर हम सबको किसानों की मांग का समर्थन करना चाहिए और केंद्र सरकार को सारी बातें छोड़कर तुरंत प्रभाव से ये तीनों कानून वापस लेने चाहिए। इस लोकतंत्र में किसान की बात उठाना कोई गुनाह नहीं है और आप कल्पना कीजिए 2.5 महीने से किसान सड़कों पर बैठे दिल्ली की सरहद पर और एक भी वहाँ पर कोई अनुशासन को तोड़ा नहीं गया, कानून को हाथ में लिया नहीं गया, इसलिए मैं समझता हूँ ये आरोप बेबुनियाद है। हम किसानों के साथ थे और खड़े रहे। सब किसानों की मांग के साथ हैं। ये कहना कि किसान अपनी बात मनवाने के लिए इतने दिन से बैठे हैं और उसके बावजूद भी सरकार तस्से मस नहीं हो रही, मुझे लगता है कि सरकार को अपना अहम और घमंड वापस लेना चाहिए। ये तीनों जो कृषि बिल बने हैं ये कानून और किसान के हित में नहीं है, इसलिए पूरे देश का समूचा किसान वर्ग चाहता है कि वापस लिए जाएँ और सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है, पूरा देश का एक नागरिक इन किसानों की मांग के साथ है। इतने लोगों की जान चली गई और वो अपना घर बार छोड़कर ठंड के महीने में इतने किसान बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर और इसी संदर्भ में राहुल गांधी जी भी राजस्थान में आ रहे हैं, किसानों को संबोधित करेंगे और किसानों की मांग के साथ अपनी मांग को रखकर हम उम्मीद करेंगे कि सरकार हमारी बात को माने और कानून वापस ले ले। तो आगामी क्या योजना? अधिकारी का नहीं, प्रांत का नहीं है, इस देश का अन्नदाता है, उसकी आज भविष्य अंधेरे में है, उसकी रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। आज कोई चुनाव नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, लेकिन ये जो कानून बने हैं ये किसानों की राय के बिना बने हैं, राज्य सरकारों की राय से ली नहीं गई, जल्दबाजी में और ज़बरदस्ती में कानून बनाए गए हैं और अंततः मुझे लगता है इस सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन।